नमस्कार, मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायकाचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन की जो तीन मुख्य धाराएं हैं, जिनके बारे में पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। पहली धारा थी जिसे उदारवादी युग कहा जाता है, जो जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण भी कहा जाता है। दूसरी जो धारा है वह उग्रवादियों की थी, और राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है वो उसे गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के हाथ में 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व आया, और तब से लेकर देश की आज़ादी तक गांधी जी के नेतृत्व में तीन बड़े आंदोलन हुए, जिन्हें जन आंदोलन भी अपन कह सकते हैं। जिनमें पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा जो आंदोलन था वह था भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पहले चर्चा हो चुकी है पूर्व की वीडियो में, तो आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर सहमति है वो 14 जुलाई 1942 को वड़दा में कांग्रेस की कार्य समिति की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसमें तय किया गया था ब्रिटिश शासन का अंत किस तरह से किया जाए। उस समय की कई ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण कांग्रेस को और महात्मा गांधी को और राष्ट्रीय नेताओं को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो पहले उन परिस्थितियों को जानते हैं, यानी कौन से ऐसे कारण थे जिनके अनुसार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए देश बाध्य हुआ। पहला कारण तो माना जाता है 1935 का अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम लागू किया गया था, उससे भारतीय नेता संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो भारतीयों की आशाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। उस अधिनियम के कारण भारतीयों में असंतोष था। दूसरा जो बड़ा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का, वह था कि 1939 में दूसरा विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ, और दूसरे विश्वयुद्ध में भारत को भी धकेल दिया गया बिना भारतीयों की राय जाने। इसे भारतीय नेताओं ने अपना अपमान माना। भारतीय नेताओं का कहना था कि युद्ध जो ब्रिटेन के खिलाफ है, तो ब्रिटेन भारत को इस युद्ध में अनावश्यक क्यों शामिल कर रहा है। तो भारतीयों को बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण भारतीय लोगों में असंतोष था। एक इसका जो बड़ा कारण माना जाता है कि उस समय का जो गवर्नर जनरल थे लिनलिथगो, जिन्होंने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीय ही करेंगे, लेकिन इसमें कोई विशेष रूपरेखा नहीं थी, जिसके कारण अगस्त प्रस्ताव को भी भारतीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया। भारतीय नेता उससे संतुष्ट है वो नहीं हुए। इसके अलावा आर्थिक स्थिति जो दयनीय पहले की तरह बनी हुई थी, जिसके कारण भी असंतोष था। बर्मा में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, जिससे भी असंतोष था। तो ये सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके परिणामस्वरूप जो है गांधी जी को एक नए आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और 14 जुलाई 1942 को वड़दा प्रस्ताव के द्वारा इस नए भारत छोड़ो आंदोलन पर सहमति बनी। उसके बाद इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की का एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में आंदोलन शुरू करने पर चर्चा हुई। गांधी जी ने 70 मिनट का अपना भाषण दिया, और 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें करो और मरो का नारा दिया। अगले ही दिन सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी, नेहरू समेत सभी जितने बड़े नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं की गिरफ्तारी की खबर जब देश में फैली, तो पूरे देश में आंदोलन अचानक भड़क गया।
और चूंकि सारे नेता जेल में थे इसलिए आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और आंदोलन दिशाविहीन भी हो गया और लोग सड़कों पर आ गए। जगह जगह धरने प्रदर्शन होने लगे, तोड़फोड़ होने लगी, हिंसक घटनाएं हैं वो होने लगी, आगजनी की घटनाएं होने लगी। लोगों ने रेलवे की पटरियां उखाड़ दी, टेलीफोन के तार उखाड़ दिए और जितने भी सरकारी संस्थान थे, डाकघर, थाने, रेलवे स्टेशन आदि पर हमला है वो किया गया। कई दिनों तक सार्वजनिक जनिक जीवन है वो ठप सा है वो हो गया। और आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, दमन करने के लिए सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने व्यापक दमन चक्र चलाया, अनेकों बार सैकड़ों गोली चलाई, गोलीकांड की घटना हुई। ये कहा जाता है 538 बार सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिनमें 950 के लगभग लोग मारे गए, 1350 लोग घायल हुए। ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है और 60,000 के लगभग लोगों को है वो जेलों में टूंच दिया गया था। आंदोलन चूंकि नेतृत्वहीन था, आंदोलन की तैयारियां भी पूर्ण नहीं हो पाई थी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अचानक से आंदोलन फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप आंदोलन नेतृत्व दिशाविहीन रहा और ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के परिणामस्वरूप धीरे धीरे आंदोलन जो है वो समाप्त होने लगा और धीरे धीरे फिर आंदोलन जो है वो समाप्त है वो हो गया। तो इस प्रकार ये जो आंदोलन था ये असफल हो गया। यद्यपि इस आंदोलन को असफल इसलिए मानते हैं क्योंकि तुरंत उसका परिणाम नहीं मिला, लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा वह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने का ये स्पष्ट मत बन गया कि अब लंबे समय तक भारत प्रशासन नहीं कर पाएंगे। आंदोलन कई कारणों से विफल रहा। पहले इसकी विफलता का जो कारण था वो था बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। इसका विफलता का जो दूसरा बड़ा कारण माना जाता है वो ये था कि आंदोलन की तैयारियां पूरी नहीं की गई। तैयारियां पूरी होने से पहले ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से आंदोलन अचानक से भड़क गया। और इसकी विफलता का जो तीसरा बड़ा कारण जो माना जाता है वो माना जाता है कि आंदोलन हिंसात्मक है वो हो गया। यदि आंदोलन अहिंसात्मक होता तो लंबा चलता, लेकिन हिंसात्मक होने के कारण सरकार को दमन करने का बहाना है वो मिल गया। और एक जो इसकी बड़ी विफलता का बड़ा जो कारण है कि भारत का जो उच्च वर्ग था उसने इस आंदोलन में साथ नहीं दिया, उच्च वर्ग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जितने भारतीय अधिकारी थे, बड़े नेता थे, गैर कांग्रेसी नेता थे और जो देशी रियासतों के राजा थे और जो सरकार में भारतीय बड़े अधिकारी थे और इसके अलावा कई अन्य छोटे दल थे जो सामाजिक भी थे, राजनीतिक भी थे, उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। आंदोलन के दौरान उन सब ने अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया। इन सब के परिणाम स्वरूप आंदोलन जो है वो विफल हो गया। विफल इसलिए क्योंकि तुरंत इसका परिणाम नहीं निकला, लेकिन दूरगामी दृष्टि से देखते हैं तो यह आंदोलन सफल था, क्योंकि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि अब लंबे समय तक वो भारत पर शासन नहीं कर पाए। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। धन्यवाद।